जय जननी भैया। तो भैया पिछले क्लास में चंद्रमा हो गया खत्म, तो आज की क्लास में शुरू कर रहे हैं हम टोपोग्राफी, जिसे हिंदी में कहते हैं स्थलाकृति, और उसके साथ साथ उच्चावच, अपक्षय, अपरदन और निक्षेपण को भी क्लियर कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए, स्थलाकृति मतलब कि ये दो शब्दों से मिलकर बना है। स्थलाकृति कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो। पहला स्थल, दूसरा आकृति। स्थल से बनी आकृति को स्थलाकृति कहते हैं। जैसे धूम मूवी में इस तरह से स्थलाकृति बनाया था बाबू। कौन बनाया था? ऋतिक रोशन। तो ऋतिक रोशन ने बनाया था इस तरह का आकृति, और उसमें किया हीरा के चोरी बाबू। इसे बाबू हम बोल सकते हैं, ये क्या है? स्थलाकृति बाबू, जिसे इंग्लिश में बाबू क्या कहते हैं? टोपोग्राफी। अब देखते हैं बाबू उच्चावच के बारे में। उच्चावच को इंग्लिश में कहते हैं रिलीफ। रिलीफ की जो परिभाषा हो जाएगी, धरातल की ऊंचाई निचाई से बनने वाले प्रतिरूप या आकार को उच्चावच कहते हैं। बाबू रिलीफ किसे कहते हैं? धरातल की ऊंचाई निचाई से बनने वाली आकृति को उच्चावच कहते हैं, रिलीफ कहते हैं बाबू। धरातल की ऊंचाई निचाई से बनने वाले प्रतिरूप या आकार को रिलीफ कहते हैं। तो बाबू चलिए देखते हैं बाबू इसका एग्जांपल। जैसे कि हमारा फेस, हमारा फेस कहीं उभर है कहीं खाबड़ है, कहीं पर धसा है तो कहीं उभरा है बाबू। नाक उभरा है, आंख धसा है, हाथ निकला है, पैर निकला है, लेकिन मुंह के अंदर धसा है बाबू, घुसा है। तो उसी को बाबू कहते हैं रिलीफ या फिर उच्चावच। धरातल की ऊंचाई निचाई को उच्चावच कहते हैं, हमारे मुंह के ऊंचाई निचाई को बाबू एक भाषा में समझ सकते हैं उच्चावच। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन भाग हैं? प्रथम स्तर का उच्चावत, पहला आर्डर का रिलीफ, दूसरा आर्डर का उच्चावत, दूसरा आर्डर का रिलीफ, तीसरा आर्डर का उच्चावत, तीसरे आर्डर के रिलीफ बाबू। चलिए देखते हैं बाबू प्रथम स्तर का उच्चावच, इसमें बड़ी बड़ी चीजें आती हैं। अब बड़ी बड़ी चीजें कौन आएंगी बाबू? बहुत बड़ी बड़ी चीजें क्या हैं? दो ही चीज बहुत बड़ी बड़ी हैं। क्या आएंगी बाबू? महासागर और महाद्वीप बाबू। महासागर और महाद्वीप, महासागर प्लस महाद्वीप, महासागर प्लस महाद्वीप, ये किसके अंदर आएगा? किसके अंदर आएगा? प्रथम स्तर का उच्चावच, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिलीफ में आएंगी बड़ी बड़ी चीजें। बड़ी बड़ी चीजें कौन है? बड़ी बड़ी चीजें कौन है? तो बड़ी बड़ी चीजें क्या है बाबू? महासागर और महाद्वीप। खोपड़िया में बैठाए लो, महासागर और महाद्वीप है प्रथम स्तर का उच्चावच। तो बाबू प्रथम स्तर का उच्चावच है कौन कौन? बाबू महासागर और महाद्वीप। अब देखते हैं द्वितीय स्तर का उच्चावच बाबू, इसमें क्या होता है? छोटी छोटी चीजें आती हैं। अब नदी जो है ये क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? द्वितीय स्तर का उच्चावच। पठार क्या हो जाएगा? द्वितीय स्तर का उच्चावच। इसके बाद आ जाएंगे बाबू, यहाँ पर लिख देते हैं हम नदी, फिर पठार, पठार, इसके बाद आ जाएगा मरुस्थल, 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 मरुस, मरुस्थल, इसके बाद आ जाएगा बाबू मैदान, इसके बाद आ जाएगा बाबू जैसे कि यहाँ पर पहाड़। ये सब क्या आ जाएंगे? किसमें आ जाएंगे? किसमें आ जाएंगे? द्वितीयक स्तर के उच्चावच में। द्वितीयक स्तर के उच्चावच में छोटी छोटी चीजें आती हैं, जैसे कि नदी, पहाड़ या फिर पठार, मरुस्थल और मैदान, पहाड़, ये सब क्या है? ये क्या है बाबू? द्वितीयक स्तर का उच्चावच है। तो यहाँ पर देखिए तृतीय स्तर का उच्चावच, इसमें आ जाएंगी, इसमें टूट फूट से बनी आकृति आती है। टूट फूट से कई क्या बनता है बाबू? झरना, 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 क्या है बाबू? तृतीय का स्तर का उच्चावच झरना, झरना, और इसके साथ साथ आ जाएगा भूमिगत जल, भूमिगत जल, और इसके साथ साथ बाबू पवन आ जाएंगे। ये सब क्या है बाबू? ये सब क्या है? तृतीय स्तर का उच्चावच
थर्ड ऑर्डर ऑफ रिलीफ, ये सब क्या है? थर्ड ऑर्डर ऑफ रिलीफ। अब हम क्वेश्चन पूछते हैं बाबू, महासागर कौथा है? महासागर कौथे स्तर का जो है उच्चावच है, आप लोग आंसर करिए। महासागर कौथे स्तर का उच्चावच है, महासागर कौथे स्तर का उच्चावच है, तो आप बोलेंगे बाबू प्रथम स्तर का उच्चावच, और जोर से बोलो। अगर पढ़ना है जोर से बोलो तो साथ साथ बोलोगे, याद भी जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो प्रथम स्तर का उच्चावच में महासागर और महाद्वीप। अब पूछ रहे हैं नदी, नदी कौथे स्तर का उच्चावच है, बोलो बोलो नदी कौन है स्तर का उच्चावच है। झरना कौन स्तर का उच्चावच है, झरना कौन स्तर का उच्चावच है। अब देख लेते हैं बाबू अपक्षय अपरदन और निक्षेपण के बारे में, तो आप लोग बने रहिए। देखिए इन शब्दों को जान लेना बहुत जरूरी है, अपक्षय अपरदन और निक्षेपण। अपक्षय किसे कहते हैं, इसका मतलब यह है चट्टानों का टूटना, चट्टान जब टूटते हैं बाबू उसको कहते हैं अपक्षय। जैसे कि इसके तोड़ने के दो तरीके, एक रासायनिक दूसरा है भौतिक। रासायनिक मतलब कि जैसे कि जैसे गर्म करके तोड़ना, और जो भौतिक है मतलब कि कूच कर तोड़ना। अगर कूच के तोड़ते हैं तो यह हो जाएगा भौतिक, और अगर गर्म करने के बाद तोड़ते हैं तो यह हो जाएगा रासायनिक। बाबू ये है अपक्षय, चट्टानों को तोड़ना क्या टूटना क्या कहलाता है अपक्षय। और अपरदन किसे कहते हैं, घिसना, जैसे कि मैल छोड़ाया जाता है घिसा जाता है, तो घिसने को क्या कहते हैं अपरदन। और देखिए निक्षेपण किसे कहते हैं, जमा करना, जैसे कि मान लीजिए हमने नाली में थूक दिया, वो थूक कहीं बहकर जाएगा और इकट्ठा हो जाएगा, तो वहां पर जब जमा हो जाएगा उसे कहते हैं बाबू निक्षेपण। ये बाबू जब नदियां पढ़ाएंगे ये आगे काम देगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जननी।